शमा सिद्धि ब्याह नमः सिद्धि ब्याह नमः सिद्धिभ्यः प्रणिपत्ये वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामुर्वन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम् नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साऊणं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की 3 कम 9 कोटि माँ मुनिराजों की भवबंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देश नहीं मनुष्यों हम सभी जीव जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज तत्वों के निर्णय करके भव जीव के लिए तत्व की प्ररूपना कर रहे हैं और कह रहे हैं जो आज तक समझ के रखा है वो ही तत्व नहीं है और भी तत्व का निर्णय है। जो आपने सोच के रखा है वैसा ही तत्व नहीं है। तत्व को द्रव्य को पदार्थ को वस्तु विषय को समझने के लिए भिन्न भिन्न परिपेक्ष है। एक ही वस्तु को जानने के भिन्न भिन्न परिपेक्ष है। माना कि जो सामने श्रीफल रखा है वृक्ष के लिए फल है और जो दुकान में बेच रहा है उसके लिए सामग्री है और वो जो आप लेकर के आए हो वो श्रद्धा का श्रीफल हो गया। वस्तु एक है उसको देखने का नजरिया भिन्न है। ऐसे ही विषय भी लिमिटेड है तत्व भी उतने ही है। उन तत्व को समझने के लिए द्रव्यों को समझने के लिए परिपेक्ष भिन्न भिन्न है। जिसका चिंतन जितना गहरा होगा वो वस्तु के उतने धर्म को समझ लेगा। एक नारियल है और उसको जानने के लिए समझने के लिए उसमें अनेक धर्म है। ये ही अनेकांत है और उसी अनेकांत की पद्धति से भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज या प्रश्नोत्तर रत्न मालिका जी ग्रंथ में सुंदर सुंदर प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। लग रहा है कि प्रश्नोत्तर चल रहा है लेकिन हो रहा तत्व का निर्णय। कल अपन ने समझा था का सुखा वहा सुख का स्रोत क्या है। उत्तर आया था मैत्री भाव। आज कह रहे हैं सर्व व्यसन विनाशे को दक्षा। सर्व व्यसन विनाशे को दक्षा संपूर्ण प्रकार की बुरी आदतों के विनाश में दक्ष कौन है।
कुशल कौन है? तो कहते हैं सर्वथा त्यागा। गाथा नंबर 15 में कह रहे हैं सर्वथा त्यागा, जितनी भी बुरी आदतें हैं उनको अगर नष्ट करना है तो समर्थ को दक्षा। कुशल कौन है? आप बोल लो कि मुनिराज की संगत में रहने वाला, नहीं, जो भी मुनिराज के पास हैं भैया सर्वथा उनको धर्मात्मा मत मान बैठना। कुछ लोग पाप के साधन ढूंढने भी मुनियों के पास आते हैं। बोलो अप्रमित सागर, सत्य है कि नहीं? व्यक्ति का बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। सोने की पहचान कसने से और आदमी की पहचान बसने से, उसको रोक के रखो कुछ दिन, तब आपको उसकी सत्यता का ज्ञान हो पाएगा। ऐसे तत्वों को समझते रहो, चिंतन करते रहो, तब आपको सही तत्व का निर्णय हो पाएगा। सर्वथा त्यागा, कुशल कौन है व्यसनों को छोड़ने में, बुरी आदतों को छोड़ने में? तो कह रहे हैं समस्त परद्रव्य और परद्रव्य जन्य विभावों का त्रियोगों से त्याग करने वाला, सर्वथा त्यागा, जो त्रियोगों से, मन से, वचन से, काय से, परद्रव्य रूप जितने विभाव परिणाम हैं उनका जो त्याग करता है वो दक्ष है, कुशल है। बिल्कुल नहीं। प्रश्न आता है कि सिर्फ अरिहंत हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं, जो अरिहंत बनने वाले होंगे वो हो पाएंगे। जो परद्रव्य है, एक स्थूल एक सूक्ष्म, पहले स्थूल परद्रव्य का त्याग मन वचन काय से, फिर सूक्ष्म। बड़ी गंभीर चर्चा है, पाप छोड़ा जाता है, पुण्य छोड़ा नहीं जाता। पाप कर्म बुद्धि पूर्वक अरिहंत परमेष्टी जो बनने वाला है वो जीव पुरुषार्थ करके छोड़ता है, फिर पुण्य क्रिया अपने आप छूट जाती है, फिर अपने आप छूट जाती है। जो भी प्रक्रिया जीवन की आप करो उसमें दो भेद करके चलना, सूक्ष्म और स्थूल। पहले स्थूल से बचना। रत्नकंड श्रावकाचार में भगवान समंत भद्र स्वामी ने सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया? स्थूल। स्थूल चोरी का त्याग, मुनि बनने के पहले मुनि बनने का अभ्यास, अरिहंत बनने के पहले अरिहंत बनने का अभ्यास, त्रय योगों से। ये क्रम से अपन समझते हैं बुरी आदतें क्या है। बुरी आदतें क्या है? आप बोल सकते हो चोरी करना, किसी के साथ झूठ बोलना, छल कपट करना, इन सब का मूल क्या है? पर द्रव्यासक्ति। और ऊपर पहुंचोगे, सिद्धांत कहेगा मोह। जो कुछ करा रहा है वो आपसे मोह करा रहा है। मोह चालक बन जाता है, चालाक बन जाता है और आपको चालक बना देता है, सब करवा देता है। मोह राजा इतना समझदार है, सब करवा देता है। सबसे पहला सूत्र, स्रोत, मूल मोह है। उस मोह के कारण पर द्रव्यों में आसक्ति होती है। ये आपकी सबसे बुरी आदत है। जो अपना है नहीं, अपना था नहीं, अपना होगा नहीं, उसे जोड़ के रखे हो। और जो अपना है, अपना था, अपना रहेगा, उसे छोड़ रहे हो। आपके जो गुण हैं
वो आपकी है, कोई उसे छीन नहीं सकता, उस पर दृष्टि नहीं है अर्पित, उस पर दृष्टि नहीं है व्यक्ति की, संग्रह में लगा है किसके, पर द्रव्य के, जबकि जाना कुछ नहीं है, पता है, पता सब है, अपना पता नहीं पता है। विकास भैया क्या गजब की बात है, जीव को, जीव के बारे में समझाया जा रहा है कि तू जीव है। ये तो वैसी बात हो गई कि व्यक्ति को उसके घर का पता बताया जा रहा है, ये तुम्हारा घर है, यहां से जाना है, यहां रुकना है, यहां खाना है, यहां सोना है, उसके घर में उसको बताया जा रहा है और वो उसी घर में रह रहा है। जीव है कि अजीव है, अजीब जीव है, समझ रहे हैं आप लोग? आपके घर का पता अगर कोई आपको बताए तो आप क्या बोलोगे अपने आप को, कि घर का ही पता नहीं पता? बाल बुद्धि है, बालक भी अपने घर का पता जानता है, फिर आप तो प्रौढ़ मनुष्य हो। जीव को जीव के बारे में बताया जा रहा है और लिखने वाला भी जीव है, क्या जीव की बुद्धि का फेरा हो गया है? पर द्रव्य में आसक्ति चल रही है, यही तेरा जीव के, अपने जीव के प्रति अनुपकार का भाव है कि हमारा चश्मा हो तो सोने का हो, ग्लास लगे उसमें तो लाखों के ग्लास लगे, रहना साथ में है नहीं, अंदर से आनंद आता है कि मेरा है, क्यों मां? एक सोने का सुंदर सा हार मिल जाए कैसा फील होता है, सुंदर सी सोने की चेन लाओ कैसा लगता है, जब भी कोई नया द्रव्य खरीद के लाओ कैसा लगता है, नई शर्ट हो दिलीप भाई गजब की लगती है, फिर उसको अलग से देखता है व्यक्ति, और वो जो कंपनी अगर ब्रांडेड हो तो उसका टैग लगा के रखता है। ये पर द्रव्य के प्रति आपकी आसक्ति है, पहले स्थूल समझ लो फिर सूक्ष्म समझते हैं। अब आप बोलोगे महाराज जी क्या करें हम लोग, तो भैया अगर आपके पास घर है तो उसमें मिट्टी का तेल डाल के आग मत लगाना, द्रव्य के विनाश की चर्चा नहीं है, द्रव्य से राग घटाओ, पहले अनासक्ति भाव लाओ फिर आपका छूटेगा। कोई भी वस्तु छोड़ना हो, किसी भी व्यक्ति से दूर होना हो, थोड़ा आप गैप तो करो, थोड़ा गैप तो करो। जैसे आपको मैं अपना दृष्टांत बताता हूं, हमने नियम लिया था कि जब तक दीक्षा नहीं होगी किसमिस नहीं खाएंगे, जब लिया था उसके 2 साल बाद दीक्षा हुई, 2 साल तक किसमिस नहीं खाई, अब वो किसमिस रुचती नहीं है। जब व्याकरण की पढ़ाई करी थी प्रारंभ, तो आचार्य श्री ने कहा था कि कोई एक वस्तु का त्याग करो, उपधान करो, ज्ञान की विनय, तो हमने सोचा साल भर में हो जाएगी, संस्कृत के पीरियड चलते थे स्कूल में, 1 साल में 2 साल में हो जाएगी, अपने को जाम फल बड़ा पसंद था, जाम फल का त्याग कर दिया। कितने साल लगे पता आपको? 6, 7, 8 साल लगे। अब आचार्य की प्रोसेस जो थी उस प्रोसेस से हम चले, 7-8 साल लगे, अब 7-8 साल जाम फल खाए नहीं, अब रुचते नहीं है, क्योंकि बीच में इतना बड़ा अंतर हो गया। अभी कोरोना आया था तो आप लोगों ने क्या फॉर्मूला अपनाया था, ब्रेक द चेन, कीप सेफ डिस्टेंस, 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। ऐसे ही अगर आप चाहते हो पर द्रव्य से छूटना, थोड़ा गैप तो करो, उसी घर में रहना है, उसी होटल में खाना है और सब त्यागना है, नहीं हो पाएगा।
थोड़ा गैप करो। इसलिए साल में 3 बार 10 लक्षण आते हैं, अष्टानी का पर्व आते हैं, महीने में 4 बार अष्टमी चतुर्दशी आती है। क्यों आती है? ये शाश्वत पर्व प्रकृति के नियम क्यों है? बीच बीच में तुम्हारी अनासक्ति आती जाए, तुम ब्रह्मचर्य से रहो, शुद्ध भोजन की प्रवृत्ति करो, व्रत करो, व्रत दर्शन विशुद्धि के व्रत करो, रवि व्रत करो, शक्ति के अनुसार कर्म दहन व्रत कर लो, आज चामल व्रत कर लो, चंद्रायन कर लो, बीच बीच में गैप करो। जो आपने डिस्टेंस क्रिएट किया है, वो जो अपन ने डिस्टेंस क्रिएट किया है वो सारा काम कर देगा। डिस्टेंस करो, वही कपड़े दिन रात पहनते हो राकेश भैया, थोड़ा डिस्टेंस तो करो। हाँ, थोड़ा डिस्टेंस तो मेंटेन करो। वही भाव दिन रात लेकर के आते हो, थोड़ा डिस्टेंस तो मेंटेन करो। आत्म भाव आश्रम भाव में एक बार दृष्टि तो लेके जाओ। अब आजकल का जमाना बहुत हाईटेक हो गया है, बहुत हाईटेक हो गया है, हर चीज के लिए अलग अलग चीजें आ गई हैं। एक पहले एक काम छोटी सी चीज से होता था, अब अलग अलग चीजें आ गई। पहले वृद्धों से पूछते हैं, दादाजी आपके समय कौन सी साबुन चलती थी बताओ? हैं? सनलाइट। और कोई ब्रांड था पुराने समय? लाइफ बॉय। और हाँ? अरे भैया ये तो आए थे, ये पहले थे ही नहीं। पहले के लोग 2 मग्गा पानी डाला स्वच्छ होके घूमते थे, अब के लोग साबुन लगाते हैं स्वच्छ नहीं हो पाते हैं। अब चेहरे के लिए अलग, बालों के लिए अलग, दाढ़ी मूंछ के लिए अलग, नहीं है? ऐसा ही है। क्या आसक्ति का भाव जागृत हो चुका है? छोड़ो आगे बढ़ो, छोड़ो छोड़ो आगे बढ़ो, अनासक्ति भाव जागृत करो। जब तक पर द्रव्य से अनासक्ति भाव जागृत नहीं करोगे तब तक छूटेगी नहीं। देखो बच्चे ने नारियल चढ़ाया है, इतना समझदार है कि गिरे नहीं, इसका इससे अनासक्ति भाव आगे चढ़ा दिया है। और कहीं इसको आम पसंद हो, क्यों भाई छोटे बादल आम खाते हैं, आम पसंद है? और कहीं बादल ने बोला आम चढ़ा दो मैं खाऊंगा, उससे से बच्चे से क्या पता 13 पंथ क्या 20 पंथ, वो कहेगा कि नहीं मैं खाऊंगा, मैं चढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ना इसको छील पाऊंगा ना खा पाऊंगा। आसक्ति अनासक्ति भाव, आत्मभाव आश्रम भाव, जो अपना था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उसके लिए क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो? ये परद्रव्य की आसक्ति में क्या क्या आता है? धन की आसक्ति, स्त्री की आसक्ति, संग्रह के प्रति बहुत आसक्ति, बस जोड़ने जोड़ने का भाव है। वो जो जोड़ने का भाव है वही तो नीचे लेके जा रहा है। एक व्यक्ति टोनी भाई, एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, असावधानी से कुएं में गिर गया। अब वो कुएं में एक था पीपल का पेड़, तो पीपल की पेड़ की जड़ पकड़ के वो लटक गया। तब उससे ऊपर से लोगों ने रस्सी फेंकी, बोले उसने पकड़ी नहीं, उससे कहा भैया हाथ दो, नहीं दिया उसने हाथ दो, दे ही नहीं रहा। एक ज्ञानी आया, बोले बहुत कंजूस है, उससे बोले भैया मेरा हाथ लो, तो तुरंत पकड़ लिया। मतलब वो अपना हाथ देने भी
ऊपर बढ़ाने भी तैयार नहीं खुद की जान बचाने के लिए, क्योंकि लेने लेने के संस्कार बन चुके हैं, देने के बन ही नहीं रहे, देने के बन ही नहीं रहे, पर द्रव्य को छोड़ने के भाव बन ही नहीं रहे। अभी आप किसी से बोलो अपना फोन छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा, और उसके बदले उसको महंगा दे दो तो तुरंत छोड़ देगा। भैया जिस घर में रहते हो कितना बड़ा है, हाँ कितना बड़ा है, 2000 स्क्वायर फीट का है, कितने का है, 1 करोड़ का मान लेते हैं, 1 करोड़ का इनका घर है माना कि, और इनसे कह रहे भैया घर छोड़ दो, नहीं हमारा घर है कहीं छोड़ दे। और चंदू भाई आके कहते हैं 5 करोड़ रुपए देते हैं अभी खाली करो, तो कहता है भैया जो जो घर में वो भी सब तुम्हारा, हम तो अभी पैसे लाओ, 10 दिन होटल में रह लेंगे लॉज में रह लेंगे, भैया 5 करोड़ मिल रहे हैं, 1 के तो 5 हो ही गए, बोले चलो। घर के प्रति आसक्ति नहीं है, राग में आसक्ति है आपकी, आपके राग में आसक्ति है। इसलिए अमोघ वर्ष मुनिराज कह रहे हैं उपाय क्या है, त्याग मन वचन काय से जो पर द्रव्य है उसके प्रति जो राग है विभाव परिणाम है उसका त्याग। त्याग कैसे करेंगे, द्रव्य दृष्टि जागृत करके त्याग करेंगे। सबसे पहले द्रव्य दृष्टि जागृत होना चाहिए। देखो आप क्या दिख रहा है, ये दिलीप भाई क्या दिख रहा है, सबको पेंसिल दिख रही है, किसी को पेन दिख रहा है, हमारे लिए काव्य रचना यंत्र है, क्यों है, हम इससे ग्रंथ लिखते हैं। अब सुनना ध्यान से, ये दिख रहा है क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपने लेखनी कहा, पेंसिल कहा, एक ने भी नहीं कहा कि पुद्गल द्रव्य है, ऐसा क्यों नहीं कहा, क्या ज्ञान नहीं है क्या, ज्ञान तो है लेकिन अनादि के संस्कार धक्का मारते हैं, व्यक्ति को पुद्गल नहीं दिखता। पड़ोस में कौन बेटा आपके भैया, पड़ोस में कौन बेटा आपके, अब जीव कह रहे हैं, पड़ोस में कौन बेटा आपके, एक से पूछा हमने भैया ये कौन है आपकी, तो उसने ये नहीं बोला मदर इन लॉ सास, उसने बोला मॉन्स्टर इन लॉ। मैंने कहा बाप रे इतना खौफ, इतना पीड़ित, क्या कहा उसने, मॉन्स्टर इन लॉ। अरे पहले जीव देखना प्रारंभ करो, पहले जीव देखना प्रारंभ करो, पहले द्रव्य दृष्टि लाओ, फिर द्रव्य दृष्टि में पर्याय दृष्टि लाना, पर्याय दृष्टि लाओ, पर्याय दृष्टि कभी चल रही हो तो उसमें द्रव्य दृष्टि लाना, द्रव्य दृष्टि छोड़ मत देना। अर्पित घर बनाओ, रहो, कोई मतलब नहीं, मना नहीं कर रहे, विकास भी है, तुम भी घर बना रहे हो, अब क्या बन गया, मरने के लिए बना रहे कि जीने के लिए बना रहे, ये कह रहे छुल्लक बन के उसमें रहेंगे, जीने के लिए बना रहे कि मरने के लिए, गंभीर विषय है। आयु का क्षय हो रहा है उसके निर्माण की चिंता है, उसकी आयु का क्षय हो रहा है उसकी चिंता नहीं है, ये जीव के अनादि के संस्कार हैं। अब विकास भैया बोलेंगे महाराज जी घर नहीं बनाएंगे तो रुकेंगे कहां, चौका कहां लगाएंगे, लगाओ बनाओ, अनासक्ति भाव के साथ रहो, ये कोई मायाचारी नहीं, अनासक्ति भाव के साथ जीना मायाचारी नहीं है। आपको किसी ने भोजन में बुलाया है,
उसने थाली सजा के दी है, बस आपकी पहचान वही हो जाएगी कि आसक्त हो कि अनासक्त। देखो चिराग, रसगुल्ला लिया सीधा अंदर, वो चबा नहीं पाए एक और अंदर, वो पहला वाला अंदर नहीं गया कि तीसरा अंदर, और हाँ हाँ और लाओ, समझ में आया था कितनी आसक्ति है। मैं शादी में गया था आखिरी बार, भैया मैंने देखा ऐसे भूखे लोग जाते हैं शादियों में, जैसे बिल्कुल जन्मों जन्मों से भूखे हों। मैं शादी में नहीं गया उसके बाद, विकास भैया किसी के खाने व्यवहार के लिए गए, लिफाफा दिया सौंफ खाई और आ गए, बोले भैया भोजन, हाँ 2 मिनट घूमा और अपन वापस। अपन डोसे के स्टॉल में खड़े हुए, अब जिसको जो पसंद है वहीं खड़ा होता है, वहाँ खड़े हुए उसने वो छोटे छोटे से बनते शादियों में इतने इतने से, उसने 4 डोसे बनाए, 4th नंबर मेरा था बुकिंग में। मैंने कहा भैया एक डोसा, बोले हाँ आपका इसमें होगा, बैठे खड़े रहिए। थाली में सांभर और चटनी रखी है, ध्यान से देखना। उसने पहला निकाल के एक माँ को दिया, दूसरा किसी को दिया, तीसरा किसी को दिया, चौथे में जब मेरा नंबर आया, और अम्मा ने क्या किया, आधा मुंह में आधा हाथ में, एक और देना। अब सोचो कैसे बोल रही हो कि मुंह में भरा है। हमने उसको देखा, हमने कहा भैया उसको दे दो भैया, इन जन्मों जन्मों से नहीं खाया, उनको दो पहले, हम तो रोटी खा ले रहे भैया। वहां से चुपचाप घर आया, बोले माँ से कहा थाई लगाओ, हमने कल डोसे बनेंगे। सुकून से घर में खाया, निर्णय कर लिया, अरे भैया देखो तो कैसे कह रहे हो, बहराने हो के खाई ना हो कभी, नहीं तो आप देखो व्रतों के अगले दिन बहरानी पुणे त्योहार आता है, जो दासन चौथ पहले आती है व्रतों के पहले, फिर आती बहरानी पुणे, बिल्कुल ऐसे अधीर होकर के खाते हैं लोग। मन में लगता है हे भगवान कितनी आसक्ति है, भोजन की प्रवृत्ति से मालूम चल जाता है जीव की आसक्ति का भाव। धीरे से रोटी भी देखो, तो खोल के देखो तो अंतराय मत पालना, देख तो लो कम से कम। रसगुल्ला खाना उसको बीच से 2 हिस्से करो, देखो फिर एक आधा लो, चब जाए अंदर चला जाए फिर दूसरा लो। अभी देखना विकास भैया, अभी ये माताएं चौकी में जाएंगी, अभी बढ़िया भजन गाएंगी शुरू में, कि जितने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया, मतलब राग द्वेष नहीं करना, शांति से बैठो और दिन पूरे आहार में जिसके जी हाथ में जो आएगा वो डालेगा, और आखिरी बोलेंगे हे गुरु और धन्य हो तुम, कितना परिचय सहते हो। क्या करोगे, चल ठीक है भैया दे दो भैया, आप लोगों के साथ तो होता ही नहीं, कभी मौका मिले तो बताएं। हम कई बार ऐसी इच्छा होती, जो लोग ऐसे फेंक के चले जाते हैं, लगता है उनको बैठाओ और एक बार उनके भोजन जरूर कराओ। एक ब्रह्मचारी थे एक भैया, अब हम प्रशम सागर जी की कथा है, उनको आहार करा रहे थे भैया। अब वो बोले दाल सब्जी हटाओ, रोटी केला चलाओ। मैं क्यों, अरे बोले रोटी केला बोले बहुत अच्छा रहता है। अरे मैंने कहा भैया एक आध पीस तो ठीक है फंस जाएगा, अरे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक है, आज भैया तुम हमारी चौके फंसे थे ना, ठीक है महाराज के आ रू। मैंने कहा आप पहुंचो हम आ रहे। मैंने भैया जी की थाई लगाई, 4 रोटी रखी और 2 केले रख दिए। मैंने भैया जी चालू करें, आहार जल शुद्ध है, थाली पूरी सजा के रखी थी उनके लिए, ऐसा थोड़ा ना करेंगे कोई अतिथि आएगा तो। बेचारा ने कुछ ही नहीं कहा, क्या कह सकते हैं ब्रह्मचारी जी, और आचार्य विशुद्ध सागर के ब्रह्मचारी तो फिर तो क्या कहना। उनने बढ़िया 1 ग्रास लिया, 2 ग्रास लिया, 4-5 ग्रास का उनने हर ग्रास का पानी पीना चालू किया। फिर हमने, अरे हमने कहा दाल सब्जी तो दी नहीं है, चलो चलो दाल, भैया दाल लोगे आप ले लो। केला रोटी लेकिन बहुत अच्छी लगती है। उनको दाल सब्जी सजा के दी, पूरे भोजन हो गए, मंदिर छोड़ने गए। मैंने कहा भैया केला रोटी कितनी अच्छी लगती है,
बोले एक ही दो ग्रास अच्छी लगती है। मैंने कहा आप महाराज जी की पूरी आहार वैसी करा रहे थे। बोले हाँ गलती हो गई, ये मनुष्य है जब तक अपने पे नहीं बीते तब तक नहीं मानता। ये पर द्रव्य में आसक्ति आपको, देखो यहां दो पर्ची लगी है आजू बाजू हॉल में, देखो ध्यान से यहां क्या लिखा है स्विच बोर्ड के बाजू में, और यहां हाँ ये पर द्रव्य की आसक्ति के यही सहारे यही जाना पड़ेगा पर द्रव्य के कारण। अच्छी पर्ची लगी हमने देखा, हमने कहा अच्छी पर्ची लगी। हाँ वो नहीं कह रहा हूं, वो आज के दृष्टांत के लिए बची थी, अब आप भली अलग कर दोगे मुझे पता है, इसलिए लगी थी नरक और पर द्रव्य में आसक्ति करोगे दो ही जगह जाओगे नरक त्रियंच। पर द्रव्य के साथ रहते रहते भी पर द्रव्य में आसक्त नहीं होना, यही तो मनुष्य की कला है, यही तो पर द्रव्य के प्रति अनासक्ति की कला जागृत करने की कला, ये वीतराग विज्ञान की कला है। मंदिर आते हो तो घर को भूल करके आओ राकेश भैया, कई लोग मंदिर भी फोन लेके आते हैं, वहां फोन बजा पूजा चल रही थी कौन सी, देव सास गुरु तीन नाथ कर्मों का छय कीजिए, फोन बज गया बाहर आ गए पूजा का छय हो गया। पढ़ो आप, एक जीव राजा बना, राजा बनने के बाद उसका अपहरण हो गया। अवधि ज्ञानी मुनराज से पूछते कि क्या पुण्य का उदय था कि मैं राजा बना, और कैसे पाप का उदय कि राजा बन के मेरा अपहरण हुआ है। अवधि ज्ञानी मुनराज ने कहा तू दिगंबर मुनिराज को पड़गहान करके घर में आहार दे रहा था, लेकिन तेरे घर में जो स्त्री थी वो दिगंबर मुनियों से उसको रुचि नहीं थी, एलर्जी थी, तो कहीं वो आ ना जाए उसका डर लगा था, कहीं वो आ गई तो अंतराय ना हो जाए मुनराज का। तू तेरा जो बार बार चित्त बाहर जा रहा था, तेरे अंदर भय आ रहा था, उस पाप के उदय से तेरा अपहरण हुआ है और मुनि को आहार दिए थे इसलिए राजा बना है। अब आप सोचो आपका चित्त बाहर कितनी बार भगता है, चौके में खड़े हो तो चौके में हो कि नहीं चिराग, मंदिर में हो तो मंदिर में हो कि नहीं, स्वाध्याय कर रहे हो तो स्वाध्याय में हो कि नहीं। विकास भैया वो घर हो चाहे शरीर वाला घर हो, रहो तो अनासक्ति के साथ रहो। चार रसगुल्ले पसंद हो दो खाना, वो भी दो भी ऐसे खाना कि आपकी आसक्ति ना दिखे, छूटेगी। जब तक ऐसा नहीं करोगे आसक्ति नहीं छूटेगी, करना तो पड़ेगा। और एक सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साइंस पढ़ा आप में से कोई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है अर्पित, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बताओ बताओ, कोई बताएगा एग्जैक्टली बताना क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब समझो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हर वस्तु स्वयं को स्वयं के प्रति आकर्षित रखती है, इसलिए वो अपने गुण नहीं छोड़ती अपनी भाषा में। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल बदल गया है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो अपने ऊपर है ही नहीं, वो पर द्रव्य में अट्रैक्शन चल रहा है, ये पंचम काल का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो साथ में रहना नहीं है उसके प्रति आकर्षण है, पर द्रव्य में आकर्षण है, निज द्रव्य के प्रति आकर्षण नहीं है। किसी की काठी में गए आप लोग उठावने में, कोई मर गया हो मृत हो गया हो उसके उठावने में गए, विकास नहीं गए कभी आज तक, कांधा दिया कभी किसी को,
विकास भाई किसी को कांधा दिया है? दे देना भी है तो अपने को भी कोई नहीं देगा। जब किसी को कांधा दिया हो तो देखना गौर से, गंभीरता से, ओहो शरीर पड़ा है, क्या बोलते हैं, अच्छा अच्छा जीव था, मतलब शरीर जीव नहीं है, वो अच्छा जीव था, चला गया। और जब वो चला गया कहाँ गया? घर दुकान मकान परिवार सब छोड़ गया, सब कुछ यहीं छोड़ गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जैनिज्म का लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? पर द्रव्य में आसक्त मत हो, स्वद्रव्य में आसक्त हो। मैं और मैं और मैं, मेरे गुण मुझ में और मैं और मेरे गुण, इनसे ही मेरा संबंध किसी और से नहीं है। यद ग्राह्यम न ग्रहणाति ग्रहितम नैव मुंचति। अगर कोई द्रव्य देने का प्रयास करे आपको तो वो द्रव्य आपको, गुण आपको दे नहीं सकता, और जो आपके पास है वो आप छोड़ भी नहीं सकते। कोई अंगूठी पहना क्या? हाँ दिलीप भाई उतारना एक मिनट जरा, नहीं दान नहीं चाहिए, उतारो तो है। इस अंगूठी को अपनी शरीर के अंदर डालो, आत्मा में डालो, आत्मा के अंदर डालो इसको, इसे घुसेड़ो तो यहां से घुसेड़ो, जारी क्या यहां से, लेकिन यहां है कि नहीं पहनो जरा देख लो। अच्छा जिस दिन आप जाओगे, जाओगे कि नहीं ऊपर, पक्का है? ये जो पहने हो ये सहित संस्कार किए जाएंगे, उतार लिए जाएंगे, पक्का? अगर माना कि आपके बेटे ने छोड़ भी दिया, कुछ नहीं उतारना, देवेंद्र बोलेगा रहन दो मंदिर में दान कर देंगे, चलो दिलीप अच्छा आदमी था, उतार लेंगे। आपको लगता है कि साथ में जाएगी, साथ में कुछ नहीं जाएगा। जब जाना नहीं उसको साथ में, तो हम उसके साथ जाएं क्यों? सुबह कौन हमसे कह रहा था महाराज जी आप इंदौर में आए हो, सो बोले और दुबले हो गए। अब मैंने कहा भाई तुझे दुबलापन दिख रहा है, मैं तो स्वस्थ हूं। अभी सुबह यही हॉल से निकल रहे थे ना, कोई कह रहा था महाराज जी और दुबले हो गए अब आप, जब से इंदौर आए हो और दुबले से लग रहे हो। अरे भाई ये वाक्य तुम्हारा मुनिराज के लिए समायक में शरीर की ओर ले जाएगा कि आत्मा की ओर? कोई हमसे कहता दुबले हो रहे तो हम दिन को देख लेते हैं, इतने तो नहीं हुए, फिर बढ़िया है। और दुबले मोटे का टेंशन अपन क्यों ले चिराग? दुबले मोटे का टेंशन अपन क्यों ले? दुबले हैं तो टेंशन नहीं, मोटे हैं तो टेंशन नहीं। अगर माना कि वजन बढ़ भी जाए तो काहे की टेंशन? जिसको उठाना है वो टेंशन ले, अपन को थोड़ा ना उठाना है शरीर जाने के बाद, अपन क्यों विकल्प लें? और दुबला पतला है, चाहे दुबला हो या मोटा हो, प्रकृति का नियम है, जिस दिन जलेगा शरीर राख एक लोटा होगी, उससे ऊपर नहीं होगी। देखा कभी उठाने में एक लोटे से ऊपर नहीं बचती, प्रकृति का नियम है। खोपड़ी मिलती क्या? क्यों नहीं मिलती? बेटा ही कपाल क्रिया करता है, खोपड़ी मजबूत होती तो उसी जलते हुए में खोपड़ी में बेटे से डंडा लगवाते हैं, क्यों? ये बताने के लिए, जीवन भर तूने जिसको पाला है वो साथ नहीं देगा, वही तेरे को आखिरी में त्रसित करेगा। विचार कर लेना आपका जीवन कैसा चल रहा है, अब तो विचार कर ही लेना। आकर्षण निज वस्तु के प्रति है कि पर वस्तु के प्रति है? भैया किसकी प्रति है? हाँ निज वस्तु के प्रति है ही नहीं। निज वस्तु के प्रति अगर आकर्षण होता तो आपके बाल हमारे जैसे होते, केस लॉन्च कर लिया होता। नहीं है तो क्या करें? कोई नहीं, अभ्यास तो करो, कोई नहीं अभ्यास तो करो,
मन तो बना लो। इतने राजा महाराजाओं को बैराग हुए, ऐसे नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी, आपको एक में ही नहीं हो रहा। 96,000 रानियां, इतनी महल। अभी पुराण ग्रंथ में आया था उनकी 92,000 खदाने थी। कितनी? 92,000। भाई क्या नाम आपका? आपसे पूछ रहे। हाँ हैं? अंकित, अगर तेरी एक जमीन सोने की खदान हो जाए उसमें, तो 100 एकड़ की, कितनी? 100 एकड़ की खदान सोने की निकल जाए, कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा। वो कह रहे बेटा, तू तेरे को छोटी सी खदान मिलेगी तो छोड़ नहीं पा रहा। ऐसी 92,000 खदानें थी, छोटी मोटी नहीं। किसके पास? भरत चक्रवर्ती के पास। लेकिन जीर्ण तृण के समान सब छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? पर द्रव में आसक्त नहीं थे। पास में तो रहो लेकिन पास में मत रखो। अभ्यास साध्य है, असंभव नहीं है। असंभव नहीं, अभ्यास साध्य। जो भी द्रव्य या जो भी वस्तु आपके पास है, एक बार उसमें अनासक्ति भाव तो जागृत करो। मन में लाओ तो कि ये मेरे साथ नहीं रहेगा, शाश्वत नहीं है। ऐसा भाव आया कभी? नहीं आया। नई शर्ट लाए आप लोगों में से कोई कभी? नई शर्ट लाए, वो मन में उस समय आया कि ये कुछ दिन की साथी है? नहीं आता, नहीं आता। अर्पित, शादी के कपड़े रखे क्या? अलग कर दिए कि रखे हैं? हाँ हैं, रखे हैं भैया आपके? रखे हैं? नहीं रखे। विकास हैं? दे दिए आपके? रखे हैं। अच्छा, ईमानदारी से बोलना, कितनी बार पहनोगे? और उसके बाद पहने कभी? वो इसलिए रखते हैं, हादसा इसी कपड़े में हुआ था, इसलिए नहीं भूलना, इसको रखना है। अगर आप चाहते हो पर द्रव से आसक्ति कम हो, आशा और आकुलता से अतीत होना प्रारंभ कर दो, इच्छाओं को मिटाना प्रारंभ कर दो। देखो विकास भी, सत्य तो यही है, और सत्य की प्राप्ति का जितना प्रतिशत जोड़ सकते हो जोड़ लो। बुंदेलखंड में कहते हैं, अगर खेती के लिए बैल चाहिए हो, गाय चाहिए हो, पैसे नहीं हो तो कोई बात नहीं, पहली मढ़ई में गिरमा और दूसरी मढ़ई में बैला। कोई ये बुंदेलखंडी है तो बताएं। पहली मढ़ई में गिरमा और दूसरी मढ़ई में बैला, यानी मेले में गए, वहां बैल बिक रहे हैं और ले नहीं पा रहे, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, गिरमा तो ले ही लो। बैल के गले में लगाने वाला रस्सी वो तो ले ही लो। पहली मढ़ई में गिरमा, अब अगली मढ़ई है, जब दूसरी बार मेला लगेगा अब पैसा कमा के बैल ले लेंगे। ऐसे ही अभी एक द्रव्य से अनासक्त हो जाओ, 1% अनासक्त हो जाओ, धीरे 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 अपन पूरे अनासक्त हो जाएंगे। प्रारंभ तो कर लो, प्रारंभ कर ही नहीं रहे समापन कैसे होगा? भैया एकदम झटके से कोई नहीं बनता मुनि, बहुत समय के भाव धक्का मार के बनाते हैं मुनि। वो जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी आपको टोकते ना, छुल्लक बन जाओ, मुनि बन जाओ, इनकी बातें आपके जहन में घूमती हैं, मुनिराज यही तो कहेंगे और क्या करेंगे, करोड़पति बन जाओ, बाली घूमाओ, ये कहेंगे? नहीं, ये क्यों कहेंगे? मुनिराज तो उपदेश वही देंगे जो आपको आपकी ओर ले जाए। विकास भैया, किसी से कहना, उसको कहना कि ये जो आम का फल होता है क्या गजब का होता है, उसके आम पाक बनता है, और अगर उसमें घी डाल लो, उसमें दूध डाल लो तो क्या मैंगो शेक बनता है, बर्फ डाल लो ना तो एकदम स्वाद आ जाता है। इसे 20 प्रकार से आम की बातें कर लो, वो आम खाए बिना रहेगा नहीं।
सत्य बता रहा हूँ। देखो आप चिराग को मत देखो, चिराग देखो थाली में कचौड़ी है, उसमें दही डला है, पतले वाले बेसन की सेव, जलेबी की कटोरी बाजू में है, कैसा लग रहा है? आ गया अभी 15 मिनट आप कचौड़ी की चर्चा करो, आहार के बाद सबसे पहले कचौड़ी खाने जाएगा, क्यों? मन को आदेश वो मिल चुका है। तो चर्चा और चर्या अनासक्ति की करें तो जल्दी अनासक्ति आएगी, और ऐसा करने से विशुद्धि भी आपकी निरंतर बढ़ेगी। अगर आप चाहते हो छूटना, एक देश तो छोड़ो। माताओं से पूछो, इनके पास इनकी दहेज में मायके से मिली हुई वो गिलास चम्मच भी है जो तिरछी हो गई, टूट गई, घुर गई, वो आज भी रखेगी नहीं? किसके लिए पूछो, रखेगी? हमको तो चौके में जाते मालूम चल जाता है वो जग में हैंडल नहीं है। अपन समझ गए कितना आसक्त आदमी है, चौकी में जाके बैठे वो पाटा जो है 3 टुकड़े के प्लाई से जोड़ के बनाया है। अपन समझ गए कितना आसक्त आदमी है कि फर्नीचर में से लकड़ी बच गई है तो इसने ये पाटा बना लिया है। कहते कुछ नहीं, जानते सब हैं। अरे भैया, बड़ा जैन समाज के लिए अर्पित एक बहुत सुंदर विचारणीय विषय है, सब जगह बोल देना भैया। जब तुमको स्वयं बैठना हो, आसक्ति देखना, जब आपको स्वयं बैठना हो, किसी रिश्तेदार को बैठाना हो, तो सुंदर सा सोफा लाते हो, बीन बैग लाते हो, झूला झूलने के लिए बड़ा सा झूला लगाते हो, दिगंबर मुनिराज आए, तुमने इतना सा टूटा सा पाटा लगा दिया है, धन्य हो, धिक्कार हो। मुनिराज आए हैं, एक लकड़ी का सुंदर सा कास्ट का पाटा हो, उनको लगे कि चौके में आए हैं। इतना सा पाटा हम तो बनी नहीं पाएंगे भी, हम तो बोलते हटाओ जमीन ही ठीक है, पतला अपन खड़े हुए हो कहीं गिरे तो बाल्टी अलग पाटा अलग, अपन कहीं अलग हाथ पे टूट गए तो और अलग। सहज सागर जी, पतली सी प्लाई ऊपर, पतली सी प्लाई नीचे, तुमने रखा पैर और पाटा हो गया चर, और बोलेंगे महाराज जी ने पाटा तोड़ दिया। ये मैं तो कहीं बैठता हूँ पहले रख देता हूँ पैर, टूट उट तो नहीं रहा, फिर बाद में बोले महाराज जी ने पाटा तोड़ दिया, हम किससे बोलेंगे बनवाओ? नहीं, धीरे धीरे। अब कम से कम भैया जैन समाज को सबसे कहना, भैया बहुत पैसे खर्च करते हो, एक सुंदर सा पाटा बना के रखो, बड़ा सा, किसके लिए? जब गुरुदेव आएंगे इसी पाटे पर बैठाऊंगा, उस पाटे का प्रयोग कहीं और नहीं करूंगा, गुरुदेव आएंगे उनकी चर्या में लगाऊंगा। अब चिराग क्या होने पाप प्रक्षालन, अब कर अर्पित भी पाटे देना, पहले से रखो। अरे बोले महाराज जी तो कभी कभी आते हैं, क्या काम है? नहीं, देखो कितनी आसक्ति है। 1 लाख का सोफा है भैया, 2000 का पाटा भी बनवा सकते हो। पहले के जमाने थे, क्या अतिथि संविभाग होता था, एक छोटा सा पाटा लगाते थे, सामने मोंद्रा होता था, बुंदेलखंड में मोंद्रा कहते थे, स्टूल टाइप का, टेबल टाइप की अच्छी डिजाइन वाली, उसमें थाली रखे, कहते थे भैया प्रारंभ करो। अब भैया वहां लगा है, आप लोग गाय बैल की तरह चर सकते हो, वहां पूरी व्यवस्था है, अपने हाथ से उठाए खा सकते हो। अतिथि संविभाग होना चाहिए। आसक्ति को आप अगर नहीं घटा सकते हो तो आसक्ति की दिशा मोड़ दो, घर की ओर ना ले जाके जिनालय की ओर ले जा दो, पर की ओर ना ले जाके निच की ओर ले जाओ, तब विशुद्धि जारी रहेगी। आप सभी आसक्ति घटाएं, अनासक्ति बढ़ाएं, विशुद्धि जारी रखने का यही सर्वश्रेष्ठ साधन है। विकास भैया कुछ तो लेके जाना, आज कुछ तो लेके जाना, ये जैन समाज यहाँ लोग बहुत सक्षम हैं। ओ गंगवाल सुधीश भाई, बहुत सक्षम लोग हैं,
लेकिन पर द्रव्य में आसक्ति के कारण द्रव्य का व्यय हो रहा है, निरर्थक, सार्थक व्यय नहीं कर रहे, निरर्थक व्यय हो रहा है। कार है किसी के पास, टोनी भाई कार है, कितने की है, है? रजत कौन सी कार तुम्हारे पास बोलो, स्कोडा, 15 लाख की कार ली भाई तुमने अभी, और अगर कोई बेचारा गरीब रास्ते में मिल जाए, बोले बाबूजी सुबह से भूखा हूं प्यासा हूं पानी दे दो, और तुम्हारे पास पानी की बोतल थी, उसे कहते आगे चलो, अगर कोई नया फीचर आ गया कार में तो उसमें एलईडी लगवाने के लिए, अंदर गूगल वो लगवाने के लिए, कैमरा लगवाने के लिए दुनिया की चीजें खर्च करोगे। ये विशुद्धि घटा रही है। दिलीप भाई टारगेट बहुत अच्छा है, अगर वो टारगेट करते करते पूरा करते करते पूरा करके उसकी सोच को करते करते भी चले गए, दुर्गति नहीं होगी। अरे जिसका मंदिर बनाने का भाव है, भगवान बनाने का भाव है, जिन वाणी का प्रचार करने का भाव है, उसकी दुर्गति नहीं होगी। आई बात समझ में? आप सभी अपनी अनासक्ति घटाएं। किसे? अपनी आसक्ति घटाएं परद्रव्य से, अनासक्ति जगाएं परद्रव्य में, आप सभी विशुद्धि जारी रखें, यही मोक्ष का साधन है। शेष अपन आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।